स्टूडेंट साथी में आप लोगों का स्वागत है। अगला जो टेस्ट सीरीज है, आप लोग जान रहे हैं टेस्ट सीरीज का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट बेसिस है, क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी के अकॉर्डिंग है जैसा आयोग पूछता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है उसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन ले लीजिए, आप लोगों ने आप लोग के पास पीडीएफ होगा, डाउनलोड कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? बीपीएससी महात्मा गांधी से रिलेटेड हर बार आप देखिएगा, हर बार बीपीएससी का एक महात्मा गांधी से रिलेटेड एक ना एक प्रश्न रहता है। तो उनका जो आंदोलन है उसमें किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी बारदोली, ऑप्शन डी बड़ौदा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। जैसा कि जानते हैं महात्मा गांधी पहले कहाँ थे, ये आपको साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ये डरबन में थे, आंदोलन किए थे। उसके बाद है जो भारत में आए, हम लोग हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए थे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी भारत आए थे। तो 1915 में आने के बाद 1917 में सबसे पहला आंदोलन किए थे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये काफ़ी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह है जो 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो राजकुमार शुक्ल, प्रश्न आप देखिएगा यही सब बीपीएससी करता है, और आप प्रीवियस ईयर में जाके देखिएगा, राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से बात किए थे, लखनऊ अधिवेशन महात्मा गांधी को बताए थे चंपारण का जो दुर्दशा था। तो महात्मा गांधी आए थे, और उसके बाद जो गांधी मैदान है उस टाइम पे लॉन उसे उसका दूसरा नाम था, और महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल है जो कोलकाता से अप्रैल में बिहार आए पटना में, और यहां से लेकर के चंपारण गए थे। तो चंपारण में तीन तरह का कृषि का प्रणाली था जो नील की खेती से, आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से रिलेटेड है। तीन तरह का प्रणाली था, तीन कठिया पहला था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है जो सबसे ज्यादा दुर्दशा का कारण था। एक था कुरतौली और तीसरा था खुशकी। तो खुशकी तीनों में जो सब विद्रोह का कारण था तिनकटिया। तिनकटिया इट मीन्स एक बीघा, एक बीघा में 20 कट्ठा होता, 20 कट्ठा में कहा जाता था किसानों को कि 3 कट्ठा जमीन पे आप नील की खेती करेंगे, और नील की खेती है जो खेत को बंजर बना देता है। तो किसान उसके विरुद्ध, उनका गांधी जी किस लिए आए थे, आंदोलन के लिए नहीं आए थे वो लोग, बस चंपारण में सबसे पहले विजिट किए थे देखने के लिए किसानों का क्या क्या आंदोलन है। तो ये हो गया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण से पहले भी भारत में हो चुका है नील, उससे पहले आप 1859 में हुआ था नील विद्रोह, नील विद्रोह हुआ था 1859 से में हुआ था, और उसके बाद जो पबना हुआ था। तो आते हैं प्रश्न पर, देखते हैं क्या क्या है, जो जितना भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसे ही डिस्कस करना है, ये नहीं सोचिए कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है जो बीपीएससी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो जितना भी है, खेड़ा जो है आपको हुआ था मार्च 1918 में हुआ था, और बारदोली हुआ था ये आपको कर को लेकर के था, और आपको बारदोली हुआ था 1920 में हुआ था। तो 1920 में जो बारदोली हुआ था इसका संबंध महात्मा गांधी से नहीं था, सरदार वल्लभ भाई पटेल से था। खेड़ा से पहले हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद है जो औद्योगिक क्षेत्र से था। तो इस प्रश्न का उत्तर है चंपारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह। बीपीएससी को लेकर के ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं जो डिस्कशन के लिए है। वर्ष 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी? कलकत्ता अधिवेशन में जो स्वराज की मांग की थी, ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, और एक से अधिक। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट होंगे सोचेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, वो हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट गलत है। 1906 में कोलकाता में कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इन्होंने ही स्वराज की मांग की थी। 1906 से पहले ही स्वराज का मांग हो चुका था। कब कब हुआ था देखते हैं, स्वराज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है देख लेते हैं।
स्वराज, स्वराज से रिलेटेड जो फैक्ट है बीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है। स्वराज का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वर्ड किसने यूज किया था, तो स्वराज शब्द का सबसे पहला यूज किए थे दयानंद सरस्वती ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज का अर्थ है स्वशासन, मतलब खुद पर खुद का शासन। तो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था 1905 में ही वाराणसी अधिवेशन हुआ था, बनारस में, वाराणसी अब नाम हो चुका है, बनारस अधिवेशन हुआ था, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसी टाइम पर स्वराज का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग हुआ था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी इससे पहले और कौन कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, सबसे पहले किए थे 1886 में। कांग्रेस अधिवेशन से एक प्रश्न रहता है और कौन कौन किए थे, कब किए थे, तो कांग्रेस अधिवेशन 1886 में किए थे जो कलकत्ता में ही हुआ था, तीन बार कर चुके हैं। ये दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन था। दूसरा है जो 1893 में, 93 में हुआ था, 1893 लाहौर में हुआ था, लाहौर अधिवेशन का भी अध्यक्षता किए थे। और तीसरा 1906 में कलकत्ता में ही, दो बार कलकत्ता अधिवेशन का दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर चुके हैं। और दूसरे बार इन्होंने दिया था कि स्वराज शब्द का कॉन्सेप्ट दिया था, जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है। अगला आते हैं, इसके बाद है प्लासी का युद्ध वाला भी प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लासी का युद्ध, युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल की कवि का कथन है। यह है आपको, इसका उत्तर है नवीन चंद्र सेन। देखते हैं प्लासी का युद्ध क्या है। प्लासी का युद्ध है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। प्लासी का युद्ध है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, क्या आंदोलन में नहीं, भारतीय में ब्रिटिश शासन का। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1857 में हुआ था, 23 जून, डेट पूछ देता है बीपीएससी, 23 जून 1757, 1857 के 100 साल पहले हुआ था। प्लासी का युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका वास्तविक स्थापना का जो प्रारंभ हुआ था इसी दौरान से हुआ था, और 1964 जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस दौरान स्थापना एक तरीके से हो चुका था। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव, देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता, वास्तविक ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला या सिराजुद्दौला कहा जाता, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, दोनों के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। ये बंगाल के पास का क्षेत्र है, बंगाल के पास का क्षेत्र है। इसमें क्या हुआ था कि ये है जो सिराजुद्दौला यहाँ से भाग करके जब युद्ध हो रहा था तो मुर्शिदाबाद चले गए थे, मुर्शिदाबाद, यही हार का कारण यही था, मुर्शिदाबाद चले गए। और मुर्शिदाबाद से यही हार का कारण हो गया कि युद्ध से ये भाग गए और मुर्शिदाबाद से ये पटना आ गए, और पटना में मीर जाफर ने हत्या कर दी थी, और उसके बाद मीर जाफर के पुत्र ने इनकी हत्या कर दी थी पटना में। तो बीपीएससी में बिहार के सेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ये मीर जाफर के पुत्र ने हत्या की थी, और मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया था, एक तरीके से कठपुतली की तरह काम कर रहा था। अब एक और है जो बीपीएससी क्वेश्चन कर चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मोपला आंदोलन, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड है क्वेश्चन। मोपला आंदोलन वर्ष 1921 में कहां हुआ था, ऑप्शन ए मालाबार, ऑप्शन बी मराठावाड़ा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी विदर्भ। मालाबार कहाँ है, केरल में। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था।
आपको मराठावाड़ा महाराष्ट्र में हो जाता है, तेलंगाना अभी जो आंध्र प्रदेश से कटके बना है राज्य अलग हो गया वो है, और विदर्भ आपको महाराष्ट्र और गुजरात का ही कुछ क्षेत्र स्पेशली महाराष्ट्र का। तो मोपला विद्रोह से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो देखते हैं, ओनली इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट। क्वेश्चन ले करके चलिएगा, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह से रिलेटेड और जो फैक्ट है, ये काम हुआ था केरल के मालाबार तट पे, मालाबार तट। तो हो सकता है कि आपको केरल दे दे या मालाबार दे दे। इस विद्रोह का कारण था जो केरल का मालाबार तट है वहां पे मुस्लिम किसान बहुत ज्यादा जनसंख्या में, मुस्लिम किसान ज्यादा जनसंख्या में थे, मुस्लिम किसान वहां केरल के मालाबार तट पे ज्यादा जनसंख्या में थे, और जमींदार क्या थे, हिंदू थे, हिंदू जमींदार थे। तो जमींदारों द्वारा इनसे लगान और नजराना काफी ज्यादा लिया जाता था। ये हिंदू और मुस्लिम एक तरीके से मुस्लिम किसान ज्यादा थे और हिंदू जमींदार ज्यादा थे। तो हिंदू जमींदारों द्वारा मुस्लिम किसानों से काफी लगान और ये नजराना वसूला जाता था। तो इन लोगों ने मोपला विद्रोह का प्रारंभ किया। मोपला विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न बीपीएससी कर चुका है, और भी प्रश्न करता है क्या, उसमें किसने किसने भाग लिया था, महात्मा गांधी, शौकत अली, और जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम जो थे, अब्दुल कलाम नहीं अबुल कलाम, उन्होंने है जो भाग लिया था। तो ये लोग, इन लोग भाग लिए थे, और ये है जो शुरू में तो राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ा है, जो उस टाइम पे दो तरह का राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, एक असहयोग चल रहा था और दूसरा खिलाफत आंदोलन चल रहा था भारत में। तो ये खिलाफत से जुड़ा था, असहयोग से नहीं, खिलाफत आंदोलन से जुड़ा था, क्योंकि जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन का तुर्की के खलीफा से रिलेटेड था और मुस्लिम से रिलेटेड था। तो जो एक तरीके से जुड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे, लेकिन बाद में इसके लिए क्या हुआ था, मार्शल लॉ भी लागू हो गया था। लेकिन जब बाद में क्या हुआ कि जो मुस्लिम जो यहाँ के जनसंख्या थी, बाद में इसका क्या हो गया कि हिंदुओं का हत्या और धर्म परिवर्तन पे ये डाइवर्ट हो गया, तो ये आंदोलन से विमुख हो गया, और मोपला विद्रोह से सारे राष्ट्रवादियों ने अपने आप को अलग कर लिया था। तो हो सकता है प्रश्न करते कि अंतिम तक मोपला विद्रोह में सारे राष्ट्रवादी शामिल थे, तो नहीं शामिल थे, सारे के सारे नहीं थे, क्योंकि सब हट चुके थे। तो प्रश्न आता है महात्मा गांधी गए थे या नहीं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड है सिर्फ फैक्ट बताना है। 16वें प्रश्न पर आते हैं, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। पटना में स्थित जो गोलघर है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि आप जो डेट देख लीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग को याद होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो उस टाइम पे कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स भारत के थे गवर्नर जनरल। तो गोलघर से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, गोलघर इसका जो डिजाइन है 1784 में हुआ था। उस टाइम पे इंजीनियर का नाम आप याद कर लिया, जॉर्ज गार्सिटन थे, इंजीनियर थे या डिजाइनर थे। उसके अलावा 1784 से स्टार्ट हुआ और 20 जुलाई डेट बीपीएससी आजकल देखा जा रहा है कि पूछ दे रहा है, तो डेट को भी याद कर लीजिए, 20 जुलाई 1786 में ये बनकर तैयार हो गया था। और उस टाइम पे इतने दिन में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। तो 3-4 फैक्ट्स आप लोगों को मिल गया होगा अभी तक में ही वारेन हेस्टिंग्स। इसका जो आकार है वो है स्तूप नुमा, और उसमें आपको 1,40,000 टन अनाज भरने का उसमें स्थान था। जैसा कि जानते हैं कि अकाल के बाद इसका निर्माण हुआ था, अकाल के दौरान ही, जो भी इम्पोर्टेंट। और 1989 में इसको राज्य से संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आज यहाँ अनाज नहीं रखा जाता है, लेकिन बहुत ही प्रॉपर वे में इसको गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। अब बिहार में चुनाव हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न, वर्ष 1946 में के चुनाव में बिहार विधानसभा में, अब ये देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, वर्ष 1946 में बिहार विधानसभा में कितने सीट थे, 152 स्थान थे, और
उसमें कांग्रेस की कितनी स्थान प्राप्त हुई थी? तो ये है जो 90, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, 90 सीट प्रदान हुई थी। और बिहार में सबसे ज़्यादा कांग्रेस उस टाइम पे जीती थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह बने थे, बहुत लंबे टाइम के बाद। और संविधान सभा का इसी चुनाव के बाद, ये बहुत दिन के बाद चुनाव हुआ था भारत में। ये बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, हो जाता है। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। ये वाला प्रश्न, 1942 की अगस्त क्रांति में, अगस्त क्रांति से आप समझ गए होंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त। बिहार में भी तभी स्टार्ट हो चुका था, और 9 अगस्त के बाद 11 अगस्त से पूरी तरीके से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मुंबई में 9 अगस्त से प्रारंभ हुआ था। तो अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित थे। आपका 4 है जो इसमें दिया गया है, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, रमानंद मिश्र और शालिग्राम सिंह। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये जो आपको जयप्रकाश नारायण, 1942 की अगस्त क्रांति हो, इनको सिर्फ इसके नाम पे नहीं, ये आजाद दस्ता के नाम से, मेंस में आपको बीपीएससी मेंस में इससे रिलेटेड प्रश्न आते रहता है कि आजाद दस्ता क्या है, आजाद दस्ता में आंदोलन में क्या भूमिका निभाई। तो सिर्फ मेंस में रिलेटेड के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, प्रीलिम्स में भी आ जाता है, मेंस का क्वेश्चन घुमा करके आता है। तो आजाद दस्ता का स्थापना किए थे, और आप जानते हैं कि बिहार में इसके प्रमुख सूरज नारायण सिंह थे। और आजाद दस्ता का क्या था? छापा मार युद्ध था, कि कोई कहीं से भी हमला कर रहा था, कोई कहीं से बचा रहा था, मतलब एक हमला कर रहा था, कोई है जो संचार को तोड़ रहा था, कोई जमीन के अंदर से गतिविधि कर रहा था। बहुत बड़े स्तर पर ये जयप्रकाश नारायण ने ये किया था, आजाद दस्ता का गठन। छापा मार युद्ध था, इसका ट्रेनिंग कहाँ हो रहा था? नेपाल के राजविलास जंगल में हो रहा था, नेपाल के राजविलास जंगल में हो रहा था ट्रेनिंग। वहां से छापामार युद्ध की पद्धति सिखाया जा रहा था, वहां नित्यानंद सिखा रहे थे, नित्यानंद सिंह सिखा रहे थे। और साथ में ये जो हजारीबाग, ये सारे पकड़ा गए उसके बाद, और पकड़े जाने के बाद सभी जेल चले गए हजारीबाग, और वहां से भाग गए थे। तो इस सभी के सभी भाग गए थे, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह बिहार में आजाद दस्ता के प्रमुख थे। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये इसका जो ऑप्शन सही होगा डी है, चारों का चारों सही है, चारों के चारों भागे थे इनके साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ। इनका नाम आपको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत, इन्होंने आंदोलन बड़ा चलाया था, बिहार के ही नहीं देश के बहुत बड़े नेता हैं। भारतीय संसद की दोनों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। जैसा कि आपको लग रहा हो कि दोनों सदन होता है, निम्न सदन और उच्च सदन, निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, और संसद किससे बनता है आपको मिलाकर? निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति। तो आपको लग रहा होगा राष्ट्रपति, बट इसका उत्तर जो है लोकसभा अध्यक्ष है। तो देखते हैं इसमें आपको संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है, जो जो प्रावधान है वो देखते हैं कि क्या क्या है। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि दोनों सदनों का संयुक्त, जब साधारण जो विधेयक होगा उसको लेकर के, साधारण, ये प्रश्न आ सकता है कि किस तरह का, साधारण विधेयक पे ही होता है, साधारण विधेयक को लेकर के संयुक्त बैठक हो सकता है। तो संयुक्त बैठक का अध्यक्षता का प्रावधान 118 में किया गया, अनुच्छेद 118 में कहा गया कि संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अभी कौन है? ओम बिरला है। तो लगभग इतना, अगर लोकसभा अध्यक्ष ना रहे, इस तरह का प्रश्न घुमा के करता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ना रहे तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष ना रहे तो राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति करेगा, और वो भी ना रहे तो उन लोगों में से चयनित करके करेगा। तो प्रथम संयुक्त बैठक कब हुआ था? 1961 में हुआ था। यह दहेज उन्मूलन को से रिलेटेड बैठक था।
जो आज दहेज उन्मूलन को लेकर के है, आपको काफ़ी हम लोग सोचते हैं कि दहेज उन्मूलन तो ये 1961 में हुआ था। जीएसटी को भी लेकर के हम लोगों ने देखा था, बैंक को लेकर के संयुक्त बैठक हुआ था, उसके बाद जो आपको आतंकवादी निरोध जो कानून बनना था उसको लेकर के संयुक्त बैठक हुआ था। ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन हुआ है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो आप लोगों को पता होगा उपराष्ट्रपति तो आप लोगों ने डायरेक्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भले ही निर्वाचन आम जनता करती हो लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी जो है उनकी भी नियुक्ति मैंने लास्ट ही टेस्ट सीरीज में बताया था कि राष्ट्रपति करते हैं। तो बस बचे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है देख लेते हैं, क्योंकि ये करेंट से भी रिलेटेड है तो हो सकता है कि आ जाए प्रश्न में। उपराष्ट्रपति से जो रिलेटेड फैक्ट है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वैसे बीपीएससी का फेवरेट भी होता है लेकिन अभी दोनों का दोनों करेंट है। तो उपराष्ट्रपति को लेकर के है कि इनका जो प्रावधान है अनुच्छेद 63 में है, अनुच्छेद 63 में है। और ये प्रावधान कहाँ से लाया गया है उपराष्ट्रपति का? अमेरिका से लाया गया, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली होती है, अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति पद अमेरिका में है तो वहाँ से, अभी वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? भारतीय है, कमला हैरिस, कमला हैरिस वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये पद आपको अमेरिका से लिया गया है। और ये जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड और क्या है, ये है जो अनुच्छेद 64 कहता है कि ये है जो राज्यसभा के सभापति होंगे। तो राज्यसभा के सभापति तो रहते हैं लेकिन वहाँ के सदस्य नहीं होते, ये बात आप याद रखिएगा। सदस्य ना होते हुए भी उसके सभापति होती है। अब नियुक्ति से रिलेटेड प्रश्न बीपीएससी कर चुका है कि उनकी नियुक्ति, या बहुत अलग अलग आयोग प्रश्न करता है नियुक्ति कैसे होती है, क्योंकि आप राष्ट्रपति में देखते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा का इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट उपराष्ट्रपति में राज्यसभा ओनली रहता है, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा रहता है। और इसमें एक और फैक्ट हो सकता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति में मनोनीत या निर्वाचित सदस्य ही सिर्फ वोट कर सकते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सारे सदस्य कर सकते हैं, क्योंकि मनोनयन या जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका चुनाव है जो राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति नहीं करता है। तो अगर दे दे कि मनोनीत सदस्य नहीं करते हैं तो आप इस चीज़ को नहीं, सारे के सारे सदस्य कर सकते हैं। और इनका जो चुनाव होता है अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे चार जो कैंडिडेट है चारों का नाम आप लिखना होगा कि ये हैं, अभी दूसरा तीसरा नंबर पे आप लिखिएगा, और उसमें से जो सिलेक्शन होता है कि पहला नंबर पे जिन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया वो आते हैं, ऐसे ऐसे करके होता है। और इनका जो हटाया जाता है या पद मुक्त किया जाता है वह उसका जो विधेयक कहाँ लाया जा सकता है, वो सिर्फ आपको राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन थे, जो उसके बाद एस राधा कृष्णन थे, 1952 से 62 तक रहे थे 10 साल तक। अभी कौन है ये याद कर लीजिएगा, 14वें क्रम बहुत पूछता है बीपीएससी, 14वें है जो जगदीप धनखड़ है। और इनकी सैलरी कितनी है? 4 लाख। हम लोगों ने सिर्फ वही प्रश्न रखा है जिस तरीके का प्रश्न बीपीएससी करता है, कॉन्सेप्ट बेसिस है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने गए हैं? सुमन के बेरी। इसका जो उत्तर है आपको सुमन, इसमें ज्यादा नहीं है आप आंसर में, सुमन के बेरी के है बीच में, सुमन के बेरी है जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष नए बने हैं सुमन के बेरी। इनसे पहले कौन थे? राजीव कुमार, राजीव कुमार ऑप्शन में दे सकता है, राजीव कुमार इन्हीं के हटने पर ये बने हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था। आपको योजना आयोग को हटा करके हुआ था। यह क्या? असंवैधानिक संस्था, संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक या फिर संविधानोत्तर संस्था है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है, होता है। और जो सीईओ है नीति आयोग के कौन है? परमेश्वरन अय्यर है,
परमेश्वरन अय्यर हैं। नीति आयोग को क्या कहा जाता है? थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें, विभिन्न केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं और राज्य सरकार के भी सदस्य होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। मौलाय द्वीप निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ये आपको मौलाय द्वीप है जो आर्कटिक महासागर में, तो जो इम्पोर्टेंट द्वीप है बस उसे ही देख लेते हैं। कौन कौन सा इम्पोर्टेंट द्वीप है? आपको सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड आप उत्तरी गोलार्ध में देखते हो, ग्रीनलैंड उत्तरी गोलार्ध में मौलाय द्वीप के बाद ये है जो आपको सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड में। यहाँ किसकी है? डेनमार्क का है। दूसरा न्यू गिनी है। न्यू गिनी आप मैप देख लीजिएगा, मैप में आपको ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहला सबसे बड़ा है, दूसरा नंबर पे ये है और न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से जस्ट पपुआ न्यू गिनी आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। तीसरे नंबर पे है आपको बोर्नियो। बोर्नियो बोर्नियो पे तीन देशों का है जो आधिपत्य, एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा है मलेशिया। बस इतना ही इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट था द्वीप से रिलेटेड। आप भूटान देश के संसद का क्या नाम है? भूटान के संसद का नाम है त्योशगू कहा जाता है या त्योंगडू कहा जाता है, उनका अपना लैंग्वेज है। तो ये है इंपॉर्टेंट जो है युआन है जो आपको ताइवान का है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया जा रहा है। रूस का ड्यूमा, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, जहाँ इलेक्शन हुआ उसी का बता दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि करेंट से रिलेटेड पूछ दे, और इजराइल का नेसेट, इजराइल का नेसेट आप याद सबका कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, लेकिन जहाँ जहाँ इलेक्शन अभी हालिया दौर में देखा गया वहाँ वहाँ का हम लोगों ने कर लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा। आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो उत्तरी अफ्रीका का जो उत्तरी पार्ट है उसमें ये जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल 11 देशों से होकर के गुजरता है, 11 देशों से अफ्रीका में है, ये उत्तरी अफ्रीका में है। और इसके साथ साथ ये कहाँ से कहाँ क्रॉस करता है? ये आपको अटलांटिक से लेकर के लाल सागर तक है, अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक है, पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है। इसी ये रेत का टीला के लिए पॉपुलर, रेत का टीला। कलाहारी का है, कलाहारी भी अफ्रीका में है लेकिन अफ्रीका का मैप में देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ये तीन देशों से होकर के हो जाता है अफ्रीका का, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया भी हाल में है जो चीता का जो पुनर्वास किया गया भारत में उसको लेकर के पॉपुलर था। थार है जो भारत में है, राजस्थान में है। गोभी आपको चीन और मंगोलिया में है, सबसे ज़्यादा इसका पार्ट है जो मंगोलिया में है। अब प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा। और अगर एशिया का पूछे तो गोभी, भारत का पूछे तो थार। भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है? ये आपको कृष्णा नदी पे बना है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। 44 पे है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी थे उसके 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म स्थल है जो आपको कुंड ग्राम वैशाली में था। जैन धर्म इनकी इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। महावीर स्वामी ये क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? पहले थे आपको ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ। आपको सम्मेद शिखर, अभी हाल का ये करेंट है, सम्मेद शिखर कहाँ है?
गिरिडीह झारखंड में, ये 24 तीर्थंकरों का, ये में से 20 तीर्थंकरों का यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था। तो करेंट में है सम्मेद शिखर, बहुत चर्चा में रहा है। तो जैन धर्म से ही 23 में से 24 तीर्थंकरों में से 20 ने वहाँ पर महापरिनिर्वाण किया, बहुत विवाद में भी रहा और आखिर इसे तीर्थस्थल ही घोषित किया गया, क्योंकि अगर पर्यटन स्थल हो जाता तो सारे लोग जा कर के वहाँ बस उसको बर्बाद कर देते बर्बाद ही करते, क्योंकि वहाँ पे पर्यटन स्थल होने, जैन लोग हैं जो बहुत शुद्धता का मापदंड रखते हैं और वहाँ लोग चप्पल पहन करके, शूज पहन के जा करके पिकनिक मनाते, तो पर्यटन स्थल बहुत अलग होता है। तो जन्म इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था और मृत्यु हुआ था 527 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व, दोनों में पूर्व जरूरी है, आप जानते हैं पहले माइनस में जाता था, तो देख लीजिए दोनों को करके 72 वर्ष निकल जाएगा, इनका उम्र था 72 वर्ष था। इनके पिता थे, मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी राजगृह में हुआ था। माता का नाम, इनका इनका इनके पिता थे सिद्धार्थ, माता थी यशोदा, यशोदा नाम से बड़ा पॉपुलर लोगों का नाम, यशोधरा, यशोदा, पत्नी थी यशोदा, माता का नाम था त्रिशाला नाम था माता का नाम, जो चेटक की बहन थी। बचपन का इनका नाम था वर्धमान, इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना और इनके जो दामाद थे उनका नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जमाली नाम था, जमाली क्या थे? इनके प्रथम शिष्य थे और इनको कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। ये कहाँ मिला था? जिभ्री ग्राम में मिला था, जो ऋजुपालिका वृक्ष है, ऋजुपालिका नदी है, वहाँ पे साल वृक्ष के नीचे मिला था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हुआ था। इनका अलग अलग अरहत, जीन, निर्गंत नाम पड़ा था, केवलिन भी एक नाम पड़ा था। तो जैन धर्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट होंगे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जप्ति प्रणाली का जन्मदाता कौन था? वो है जो आपको टोडरमल था, राजा टोडरमल अकबर के नौरत्न में से एक था राजा टोडरमल। जप्ति प्रणाली क्या है? भू राजस्व प्रणाली है। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया है? जिंदा पीर है जो औरंगजेब को कहा गया है, क्योंकि आप देखिए बाबर आया था तो बाबर को कोई धर्म वगैरह से, उसको बस युद्ध से लेना देना था। अकबर बहुत हद तक एक कहा जाता है कि अलग तरह का एक राज्य था, राजा था, जिसको सहिष्णु कहा जाता है, और जहांगीर भी उसको चित्रकला और अलग दुनिया में ही रहता था। ये आपको औरंगजेब ही था जिसका दिमाग भी सनकी था और थोड़ा पागल भी था। तो उसको क्या था, वो है जो वो उसको कहा जाता है कि इस्लामिक तांत्रिक भी था, उसको तंत्र व्यवस्था में विश्वास था और कुरान की आयत भी लिखता था, इसलिए वो है जो जिंदा पीर कहलाता था। थोड़ा सा अजीब था भी, पागल था भी, ज्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि पता नहीं कौन बुरा मान जाए। निम्न में से किसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है? यह है जो चूना पत्थर, इसका सूत्र क्या है? CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का प्रश्न आप लोग जरूर से पढ़ के जाएगा, किसका क्या सूत्र है और उसका क्या रासायनिक नाम है, क्योंकि प्रश्न आता ही आता है आपको। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन है? ये है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल है जो सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। ये क्या होता है? दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल होता है, दो पिंडों के बीच अगर गुरुत्व बल ना हो तो हम लोग कहाँ रहेंगे, जैसे जमीन पर एक तरीके से खड़े नहीं रह सकते। तो गुरुत्व बल क्या करता है? हम लोग को स्थिर करता है। दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल, हम लोग ऊपर से नीचे ही डायरेक्ट आते हैं। ये कौन लाए थे? न्यूटन ने लाया था, ये नियम को प्रतिपादित किया था। ये सूर्य और ग्रहों को बीच में
बांधे रहता है कि अपने ही, आप देखते होंगे पृथ्वी है तो एक ही जगह पे कर रहा है तो गुरुत्व बल। तो प्रश्न सिर्फ ये नहीं आता, प्रश्न बीपीएससी में ऐसा भी आता है कि गुरुत्व बल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम विषुवत रेखा पर के आसपास होता है, और जीरो होता है कहाँ पे, केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जीरो होता है। 73वां प्रश्न पर आते हैं, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। रेनिन का स्राव है जो आपको अमाशय में उपस्थित, ऐसे तो ये ऑप्शन होगा जठर ग्रंथि से होता है, लेकिन अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों से होता है। रेनिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो छोटे बच्चों, जन्म से लेकर के 3 साल तक के बच्चों में होता है। यह दूध पचाने के कार्य में आता है। जब बच्चों को आप देखते होंगे बच्चे ही दूध जो माँ का दूध पी सकते हैं तो 3 साल तक बहुत आराम से पी लेते हैं, तो यही जो रेनिन है ना वही आप उनके अंदर एंजाइम रहता है। 78 भीम कायता या अति कायता की अवस्थाओं से सह संबंधित है। यह है आप, यह हाइपर प्यूट्रेट्रिज्म है, यह आपको सी ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, प्यूट्री ग्रंथों का अतिक्रमण हो जाता है, यह बढ़ने लगता है बॉडी का कई पार्ट। 83 भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है। भारतीय नागरिकता का संबंध है जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से है, तो इसमें बताया गया है 3 तरीके से होता है। एक शैक्षिक त्याग होता है, खुद से त्याग दिए, दूसरा होता है बर्खास्त कर देता है केंद्र सरकार, तीसरा होता है वंचित हो जाता खुद ब खुद। तो जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऑटोमेटिक है जो भारत, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता, आप एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं, तो ये सही ऑप्शन है। जब वो किसी दबाव पर नागरिकता का प्रभाव परित्याग होता है, दबाव पड़ता है जब बर्खास्तगी हो जाता है या वंचित किसी कारण से देशद्रोह या कुछ बर्खास्त गलत तरीके से पंजीकरण हो तो बर्खास्त कर दिया जाता है, तो दबाव में भी नागरिकता छीना जा सकता है। जब सरकार बिना किसी कारण उसे नागरिकता से वंचित कर देती है, कारण तो बताती है विदाउट एनी रीजन, तो ये तो होगा नहीं सी। और वैसे भी ई ऑप्शन हो चुका है, एक से ज्यादा हो चुका है, दो हो चुका है। जब वो 5 साल से विदेश में रह रहा हो, ऐसा भी नहीं है बहुत एनआरआई है बहुत लोग रह रहे हैं, तो ऑप्शन ई है, दो ही सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा गठन हुआ था, कोठारी आयोग, शिक्षा से रिलेटेड कोठारी आयोग, प्रथम आयोग था कोठारी आयोग। हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि कोठारी आयोग का संबंध किससे था, तो शिक्षा से संबंध। अभी हाल में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई उसमें क्या है, आपको किनका था, के कस्तूरी रंगन समिति आया था, ये जो 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट आया था यही था। नबार्ड से रिलेटेड अगला प्रश्न है, नबार्ड उधार देता है, बाकी प्रश्न आप अपने पीडीएफ में देख लीजिएगा। नबार्ड उधार देता है किसे, नबार्ड है जो आपको इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को उधार देता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास दोनों से रिलेटेड है बैंक को देता है। इसका मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। बिहार सरकार कि किस मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, या वित्त मंत्रालय करता आर्थिक सर्वेक्षण होता है, बजट से एक दिन पहले होता है। 78 में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का क्रम आप लोग को पता होगा, पहला है कितना जनसंख्या घनत्व, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, और भारत में कितना है, आपको भारत में 382 प्रति व्यक्ति है जो प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोनों का मैंने ये करवा दिया, कितना है? सबसे पहला है ये भारत में बिहार, कम जगह है लेकिन ज्यादा लोग बसे पड़े हैं। भूगोल के मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। 2 बीपीएससी में आप लोगों ने इस बार देखा होगा, 67वीं बीपीएससी का प्री भी और जो री एग्जाम भी हुआ था उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्योग्राफी में इस बार पूछा गया है 2 बार से, तो जो नाम है वो भी पूछा गया। तो ये है आपको HH बैरोज है, ये क्या होता है, मानव पारिस्थितिकी क्या होता है, मानव का पारिस्थिति यानी पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है उससे रिलेटेड ये एक तरीके का विज्ञान या फिर भूगोल बोल सकते हैं। अगला आते हैं लाइकेंस किसके अच्छे संदूषक है, आपको पता होगा वायु प्रदूषण की। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है,
भारत की पूछ रहा है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन को क्या कहा जाता है? केटू। इस केटू विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। इसके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है, और केटू जो गॉडविन ऑस्टिन है ये पीओके में है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और उसके बाद है जो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कंचनजंगा है। अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी है जो आपको पूछा है तो गॉडविन ऑस्टिन, भारत में हिमालय की सबसे छोटी ऊंची चोटी पूछा है कंचनजंगा, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी होगा माउंट एवरेस्ट, और नंगा पर्वत क्या है आपको? पीओके में है। पीओके में है। हिमालय का जब विस्तार आप लोग पढ़ते होंगे तो नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरुआ तक है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार है? बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार है? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको कुशेश्वर पक्षी जो जितने भी इम्पोर्टेंट है, कुशेश्वर जो पक्षी विहार है, आपको कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। कांवर झील, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। बेगूसराय ये आपको एक और चीज है कांवर झील से रिलेटेड फैक्ट है। गोगा बिल जो है, गोगा बिल कटिहार में है। नागी नकटी है जमुई में है। आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कर रहा था कि बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है? वो है दरभंगा में। बिहार में ये नहीं, बिहार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सबसे पहले बिहार का जो है मैप बना लेते हैं। हो गया, ये हुआ हमारा प्यारा बिहार। बिहार के ऊपर आप देखे होंगे नेपाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश, ये है आपका उत्तर प्रदेश, रहन सहन में हमारे ही तरह है। ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, पहले बिहार बंगाल का ही पार्ट था, और ये रहा आपका हमारा प्यारा झारखंड। 2000 वर्ष 2000 तक था, 15 नवंबर को ये अलग हो गया था। तो देख रहे हैं कौन कौन है राज्य, ये तो अलग सा देश हो गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। प्रश्न पर आते हैं। लैंड बिहार क्या है? एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि भू अवरुद्ध राज्य है, चारों तरफ से ये जमीन से ही घिरा पड़ा है बेचारा, कहीं से भी समुद्र नहीं है अलग से। तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। आपको छत्तीसगढ़ जाने के लिए झारखंड जाना ही पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी जनगणना वाला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना? 918, पहले ही बता चुकी हूँ, ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज में हो चुका है।
वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र को पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित कर दिया गया था? यह है पूर्णिया और पुरुलिया का क्षेत्र है। आप उत्तर बिहार का देखिएगा, उत्तर पश्चिम जो उत्तर पूर्वी बिहार जो है पश्चिम बंगाल से टच करता है, तो यहाँ पर वहाँ पर का जो क्षेत्र था पूर्णिया और पुरुलिया, उसे पश्चिम बंगाल की ओर हस्तांतरित कर दिया गया था। तो जो आप जान रहे, जब भारत बना था तो भारत के बनने के बाद जो राज्य का आयोग बन राज्य को गठन करने के लिए आयोग बना था, JBP समिति बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की समिति बनी थी। उसके बाद इन्होंने भाषा आयोग पर नहीं गठन किया। उसके बाद जो 1953 में क्या हुआ, 1953 में श्री रामल्लू एक समाजवादी थे, उन्होंने 58 दिन तक लगातार है जो भूख हड़ताल की, और उसके उनके हड़ताल के लिए भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना चाह रहे थे, अपना मद्रास से अलग होकर के आंध्र प्रदेश का गठन करना चाह रहे थे। इनकी मृत्यु हो गई 58 दिन के उपरांत। मृत्यु के उपरांत विद्रोह स्टार्ट हो गया और आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, और आंध्र प्रदेश के गठन के बाद भाषा आयोग का गठन का बात हुआ, और इनके फजल अली की अध्यक्षता में 1955 में ही आ चुका था आयोग का रिपोर्ट, लेकिन लागू 1956 में हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। और उसके बाद भाषा के आधार पर देख सकते हैं पूर्णिया और पुरुलिया है जो उधर चला गया था आपको पश्चिम बंगाल में। एम के प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? एम के प्रसाद जो है वो आपको पर्यावरणविद थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे। इनका निधन ये केरल के थे, केरल के पलक्कड़ जिले में क्या हुआ था 1970 में केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था कि वहाँ पे बिजली परियोजना चल रही थी, तो उसी के विरोध में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। तो इनका हाल में निधन हो गया। ये क्या थे? पर्यावरणविद थे। और वो केरल में किस प्रकार का वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये वर्षा वन है वहाँ। तो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पे साइलेंट वैली में इस तरह का आंदोलन इन्होंने चलाया था। कैटलिन नोवाक निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? वो है जो हंगरी की बनी है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और यहाँ का मुद्रा है फेरिट है, इससे ज्यादा फैक्ट इसमें नहीं है इंपॉर्टेंट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना बना रही है? वो है वर्ष 2031 तक। 2031 तक वो अपनी एक अंतरिक्ष स्टेशन है उसको है जो समाप्त करने का योजना कर रहा है। तो ये क्या करेगा, नासा का जो स्टेशन है कैलिफोर्निया में है, उसका नासा का स्थापना 1958 में हुआ था, और जब ये गिरेगा अंतरिक्ष स्टेशन को ध्वस्त करेगा तो कहाँ गिरेगा? प्रशांत महासागर में गिरेगा। अगला है विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है, यह है जो 11 दिवस को होता है। पार्किंसंस में क्या होता है, मांसपेशियों पर असर होता है, बॉडी है जो क्या होता है बहुत ज़्यादा हर वक्त जो हिलता डोलता रहता है और स्वस्थ नहीं रहता है बच्चा, ज़्यादातर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा होता है, स्पेशली बुजुर्गों में। भारत नॉर्डिक ये है क्या है, $100 अरब से अधिक वार्षिक राजस्व करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अडानी भले ही आज है जो वर्ल्ड के नंबर वन है या इंडिया के नंबर वन अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, लेकिन नंबर टू है वर्ल्ड में, लेकिन टैक्सेशन के मामले में आज भी रिलायंस का मुकाबला नहीं है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है, मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये डेनमार्क कर रहा है। तो नॉर्डिक देश क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत बसे देश हैं उन्हें नॉर्डिक देश कहा जाता है। तो उसका जो शिखर सम्मेलन भारत नॉर्डिक देशों के साथ कर रहा है, तो उसमें कौन कौन है? फिनलैंड नॉर्डिक देश है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फ्रांस तो है ही नहीं, और नॉर्वे और आइलैंड है।
हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन दी हुनूर किसे दिया गया? शशि थरूर को दिया गया है। बहुत अच्छे वक्ता हैं, इनको बोलने और बहुत अच्छा भाषण देते हैं। इनकी जो बोलने की शैली है बहुत अच्छी है। इंडिया को रिप्रेजेंट इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु पहले ई वेस्ट इको पार्ट का मंजूरी दिया हुआ है? दिल्ली। ज्ञानव्यापी मस्जिद से रिलेटेड प्रश्न है। ज्ञानव्यापी मस्जिद आप लोग जान ही रहोगे कहाँ है, चल रहा है वाराणसी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में करेंट है। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर डोज आप लोग जान रहे होंगे, पढ़ रहा होगा। पहले तो क्या था, कोविड का वैक्सीन चला था, तो कॉर्बेवैक्स है जो आपको, ये है जो बूस्टर डोज है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे उसे, इंपॉर्टेंट तो सारे थे लेकिन जितने भी फैक्ट से रिलेटेड जिसे डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट बेसिस से डिस्क्राइब करना था मैंने कर दिया। अब अगले टेस्ट पर हम लोग मिलते हैं। आप लोग अपने PDF से जितने भी और बन सकता है बनाइए। थैंक यू, अब मिलते हैं अगले टेस्ट पर। बहुत लंबा कर दिए ना।